मैंने कन्विंस बहुत मुश्किल से किया था, क्योंकि अम्मी की सिर्फ प्रायोरिटी ये थी कि बेटा आप पढ़ रहे हो अभी, एंड इट्स बीन 7 years नाउ दैट आई एम इन दिस इंडस्ट्री एंड आई एम 22, सो आई वाज आई नो यू द बेबी आई वाज हियर लाइक इन व्हाट 14 और समथिंग 15 में आ गई थी मैं. तो अम्मी की प्रायोरिटी बस ये थी कि बेटा आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर आपने जो करना है आप करो, मुझे कोई मसला नहीं है. इट्स योर करियर, इट्स योर लाइफ, आप जो चूज़ करना चाहते हो गो अहेड विद इट. तो ये कन्विंसिंग वाला पार्ट मुश्किल था. अम्मी के साथ आप ही के पास में गई, बस एक कमरे से दूसरा कमरा बदला, आप ही के पास गई, आप ही को बोला यार आप ही मैंने ये करना है तो प्लीज़ आप बताओ, आप अम्मी को समझाओ कि करने दें, एक दफ़ा का चांस है. आप ही ने समझाया, कन्विंस हो गई अम्मी. फिर मुझे एक डेडलाइन मिलती थी कि बेटा ये 1 साल है, अब आप इसमें अगर हमें प्रूफ कर देते हो कि ओके कि आप इतने अच्छे हो तो आप एक्टिंग कर सकते हो, किया एक्टिंग कर सकते हो, तो फिर शायद हम आपको इजाजत दे दें कि आप पढ़ाई से ब्रेक ले लो. बिकॉज इफ वी डोंट फाइंड एनीथिंग बेटर देन दैट कि अच्छा अगर आप गैप ले रहे हो तो आप कुछ बेहतर कर रहे हो, अगर ये नहीं दिखता तो फिर आपको वापस पढ़ाई की तरफ आना. माशाल्लाह एक्ट्रेस तो आप इतनी सॉलिड हो, इतनी सॉलिड हो कि इवन आई लर्न फ्रॉम योर परफॉर्मेंस. नहीं नहीं प्लीज डोंट, सीरियसली आई एम नॉट लाइंग, लेकिन इसको सर पे ना चढ़ाना, लेकिन इट्स एन ऑनर कमिंग फ्रॉम यू. बहुत अच्छी एक्टर हो तुम, सीरियसली बंदा हैरान हो जाता है. तुम और सजल आर लाइक के मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये करती कैसे. नहीं नहीं थैंक यू. तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला प्रोजेक्ट वाज ऑन अ सेकंड लीड, इट वाज किसे अपना कहें, दैट वाज फॉर हम. दो मैंने सेकंड लीड पे किए थे, देन आई डिड मुकद्दस, दैट वाज अ हिट फॉर एमडी. फिर वहाँ से एमडी के साथ एक कहानी और एक सिलसिला शुरू हो गया, तो आई डिड प्रोजेक्ट्स फॉर देम एंड नाउ आई एम हियर. तो अभी तक जितना काम किया है, आर यू सैटिस्फाइड विद योर करियर? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो सैटिस्फाइड. जो भी मैंने चॉइसेस अपने, मैंने हमेशा अपने करियर में अपने फील्ड में अपनी चॉइसेस खुद की हैं. मैंने कोई फोटोशूट करना है, मैंने कोई ड्रामा करना है, स्क्रिप्ट मैं खुद पढ़ती थी, मैं अपने कैरेक्टर्स खुद चूज करती थी. आई डोंट नो हाउ आई हैव दिस इन मी. इतनी अकल कहाँ से आ गई, कहाँ से है, लेकिन ये है, ये थी मुझ में हमेशा से. मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि आपको क्या लगता है, ये स्क्रिप्ट आप मुझे पढ़ के बताएं, डू यू थिंक आई शुड डू दिस और नॉट. I chose my characters and they, I think they made me who I am. Oh yes, बहुत strong ख़वातीन और लड़कियों के तुमने characters किए हैं. सोच के तुमने ये सब कुछ choose किया, तो I'm really impressed. Thank you. Yeah. Thank you. Very good. I've always thought के लड़की के रोने धोने से बहुत कुछ है इस दुनिया में और इस ज़िंदगी में करने को. मतलब एक लड़की कि लाइफ में रोए बगैर भी वो बहुत कुछ अगर अचीव नहीं भी कर रही तो उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ है ऐसा जो उसकी अचीवमेंट्स हैं. हाँ लड़कियाँ हर वक्त रोती नहीं रहती हैं, लोगों को ये पता लग जाना चाहिए. एग्जैक्टली. बट यू नो व्हाट, आई एम ग्लैड कि अब जो इंडस्ट्री में एक चेंज आ रहा है, जो आपको मतलब देर इज़ अ परसेंटेज जो आपकी स्क्रिप्ट को ऑफर होता है उसमें वही रोना धोना होता है, लेकिन कभी कभी ना कोई ऐसी आपको कहानी, एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है जो माइंडसेट्स चेंज कर सकता है. बिल्कुल, यही तो काम है एक्टर का और हमारी इंडस्ट्री का. वो चूज करना वो भी एक बहुत मुश्किल काम है. उस और उससे पहले आई थिंक ये मुश्किल काम है कि लोग ऐसी कहानियां और ऐसे कैरेक्टर्स बनाएं, क्योंकि जब तक बनेंगे नहीं एक एक्टर को ऑफर नहीं होंगे. एक एक्टर को ऑफर नहीं होंगे तो वो करेगा कैसे, लोगों को कैसे दिखाएगा? क्योंकि एट द एंड तो आप लोगों को ही दिखा रहे हैं ना, उनकी सोच बदल रहे हैं, उनको एक कहानी ऐसी दिखा रहे हैं जिसको वो सच समझें. क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, वो सच्ची में हर कैरेक्टर को बहुत गौर से देखते हैं और वो समझते हैं कि हाँ हम यही हैं. जैसे अगर मैं आजकल कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ तो वो सच्ची में समझते हैं कि शायद मैं इतना झूठ बोलती होंगी, शायद मैं सच्ची में इतनी बुरी हूँ. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग इतना सीरियसली किसी चीज़ को देख रहे होते हैं जो हमने इतनी मेहनत से बनाई है. तो वाई नॉट डू समथिंग जो उनकी ज़िंदगियाँ बदल सके. Exactly. Rather than just showing them कि जी एक औरत या तो झाड़ू पोछा कर सकती है, या तो एक शोहर के लिए खाना बना सकती है, या तो शोहर जब ऑफिस से आए तो उसका ब्रीफ केस उठा के कमरे में लगा के बोल सकती है अच्छा जी आप आ गए, मैं खाना लगा दूँ आपके लिए, आप फ्रेश हो जाएं. तो वो सब करने के अलावा वो भी कभी ऑफिस से आ सकती है, वो भी कभी कहीं कुछ अचीव करने जा सकती है, कहीं कोई स्पीच देने जा सकती है, कहीं कोई लीडिंग रोल हो सकता है उसकी उसकी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में. So I think it's very important for the channels and the production houses to make something like that. ऐसे मियाँ भी दिखाएं जब बीवी थकी हुई आए तो ना फरमाइश करें, वो कहें बेबी तुम क्या खाओगी, मैं गरम कर दूँ. बिल्कुल.
अच्छा वैसे सच्ची बताऊँ, ड्रामे की तो एक हट के बात है, मैं बड़ी खुश हूँ और मैं बड़ी लकी हूँ। मैं जितना अपना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ ना अपनी ज़िंदगी के लिए, जो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है वो उतना कम है, क्योंकि यासिर मेक्स फूड फॉर मी बिकॉज ही नोज कि अच्छा मुझे खाना नहीं बनाना आता, उसे बनाना आता है, एंड आई एम अ फूडी, ही इज़ अ फूडी, तो वो मुझे खाना भी बनाएगा, खिलाएगा, वो मेरी हर चीज़ का उस तरीके से ख्याल रखेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि एक मर्द को शायद सोच भी आ सकती है इस चीज़ की कि अच्छा ठीक है अगर मेरी बीवी थकी हुई है तो मैं शायद उससे ये फरमाइश ना करूं, शायद शोर ना मचाऊं, उसको सोने दूं, टीवी ना लगाऊं, मैं कभी उससे ये ना बोलूं कि अच्छा जी आज आप मेरी कबर्ड सही कर दें क्योंकि मैं ख़राब कर देता हूं तो वो जो सारी एक फरमाइशें होती हैं वो कभी कभी आपको बहुत अच्छी लगती हैं और कभी कभी आप चाहते भी हैं, क्योंकि एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू वांट दैट रिलेशनशिप टू यू वांट दैट ट्रैक इन योर लाइफ के हो, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि बगैर वो, क्योंकि वो फरमाइश नहीं करता है तो मेरा खुद दिल करता है कि मैं करूँ, मैं टाइम निकालूँ उस चीज़ के लिए, बिकॉज आई नो दैट ही इज़ नॉट सेइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैन, तो जो चीज़ें उसको अच्छी लग सकती हैं फिर आप वो, आपका खुद दिल करता है कि आप किसी के लिए करें। उसको बड़ा शौक था मेरी बीवी मेरे लिए खाना बनाए तो मैंने उसको कल रात को खाना बना के खिलाया। अच्छा। उसकी बहन से पूछ के, एंड आई एम सो हैप्पी कि सबको पसंद आया, उसके दोस्त भी आए हुए थे, एंड आई वाज लाइक पहली दफा खाना बनाया, वो बड़ा सीन था, सो आई एम हैप्पी दैट ऑल। तब सीखोगे उसके लिए खाना बनाना? मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूं, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं जबरदस्ती कहीं से, मैं, मेरा जब दिल होता है मैं बहुत दिल से हर चीज करती हूं, मैं ये नहीं कर सकती कि मैं जबरदस्ती किसी के लिए करूं, क्योंकि जब आप अपना दिल किसी चीज में डालते हैं ना, कोई काम करते हैं किसी के लिए, तो वो दिखता भी है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने दिल से कल खाना बनाया तो वो खाना अच्छा भी बना, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, तो क्यों आप किसी के लिए कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करें, या तो आप बिल्कुल ही बोल दें कि यार नहीं कर सकते, वो ज्यादा अच्छा है, ऑनेस्टी इज बेटर देन दैट। अच्छा तो मुझे वो बताओ वो मोमेंट कौन सा था व्हेन यू सेड के ही इज द वन? देर आर सो मैनी मोमेंट्स जहाँ पे मुझे ये लगा था, क्योंकि शुरू में मैं बहुत ज्यादा शोर नहीं थी कि मुझे पता वो बात किया तुम्हारा फोन घूम गया था, नाउ इज द टाइम दैट आई शुड गेट मैरिड, लेकिन बहुत सारे मोमेंट्स थे, स्पेशली जो टाइम मैंने कनाडा में उसके साथ गुजारा, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा कुछ शौक नहीं था, क्योंकि अच्छा? मुझे लगता था कि बस ठीक है आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के अंदर ही कहीं चले गए, आप कराची में, आप कराची में घूम लिए, शायद दैट्स द मैक्स ट्रैवल आई कैन बी अ पार्ट ऑफ। लेकिन जब मैं कनाडा में थी तो उसने मुझे घुमाया फिराया, आई हैड सो मच फन विद हिम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज़ के हर चीज़ में इतनी पॉजिटिविटी, हर चीज़ में इस चीज़ का ख्याल रखना कि ये मेरे साथ लड़की है, ये मेरे साथ औरत है, इसकी हर ज़रूरत का, इसकी हर चीज़ का, इसकी इज्जत का, बेसिकली सबसे ज़्यादा ये कि एक औरत है और उसकी इज्जत मैंने कैसे करनी है और मैं उसको किस तरीके से ट्रीट करूंगा कि दुनिया भी उसकी उस तरीके से इज्जत करेगी, क्योंकि औरतें बोलती हैं कि अच्छा जी हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको कभी कभी बहुत अच्छा लगता अभी है। अभी ये माशरा वो बन नहीं सका कि औरत अपनी हिफाजत खुद कर सके, अभी हम चाहे, मुझे लगता है हम वही चीज़ है, दैट्स एक्चुअली सच अ बिग डिबेट जिसपे हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका पार्टनर आपकी हिफाजत कर सके उस वक्त जब ज़रूरत है, ना कि उस वक्त के हमेशा ही खड़ा हुआ हो लेके कि तुम पास से कैसे गुजरे, ये हाँ। ये ओवर वाला नहीं हिफाजत हाँ। करना, ये तब हिफाजत करना जब ज़रूरत हो, तो वो लड़कियों की इज्जत करता है, सबसे बड़ी बात है, उसकी खुद की नौ बहनें हैं, तो आप क्या उम्मीद रखेंगे एक ऐसे इंसान से जिसकी खुद की नौ बहनों में वो पला बड़ा है, माशाल्लाह वो इतना ज़्यादा उसका खुला दिमाग है इस औरत के मामले में कि मैंने शायद ज़्यादा अपने आप को एम्ब्रेस किया है उसकी बीवी बनने के बाद। Really? Yes, exactly. शायद मैं You're proud of being a woman now. I am very much proud of being a woman. शायद कुछ लोगों को ये बात ना समझ में आए कि अच्छा आप शादी से पहले नहीं थी, उससे मिलने से पहले नहीं थी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस शायद कहीं कम था, मैं समझती थी कि शायद मैं ये ना कर सकूँ, शायद मैं वो ना कर सकूँ, और मे बी आई वुडंट बी एबल टू पुल ऑफ दिस कैरेक्टर, मुझे ये डायलॉग नहीं, मतलब मेरे अंदर बहुत सारे शकों शुबात थे। लेकिन जब से यासिर मेरी ज़िंदगी में आया है, बिफोर इवन मैरिंग हिम,
ही गेव मी कॉन्फिडेंस, ही प्रेजेज मी, ही इज ऑलवेज देयर टू पुल मी अप के नहीं तुम ये भी कर सकती हो, तुम्हें ये भी करना चाहिए. अभी वो मुझे पिछले दिनों बोल रहा था कि यू शुड गो एंड डू अ नाइस ऑयल पेंटिंग की क्लास या कहीं भी कुछ भी. लास्ट नाइट ही वॉज टेलिंग मी ही वॉन्ट्स मी टू स्टडी, ही वॉन्ट्स मी टू गो डू सम पेंटिंग की क्लासेस, कुछ भी. कहता है तुम पेंटिंग करो, मैं घर पे लगाऊंगा, आई वॉन्ट यू टू पेंट. सो आई पेंटिंग का शौक है, मुझे था बचपन से, एंड आई डिजाइंड अ फ्यू थिंग्स. ओह रियली? तो उस तरीके से वो देख रहे हैं. तो यू नो ये इस तरीके से जब आपको कोई पार्टनर मिलता है जो आपको इनकरेज कर सके, आप समझें इसी तरीके से जैसे औरतें होती हैं, वो अपने शौहरों को हमेशा सपोर्ट करेंगी कि अच्छा जी आप जो भी कर रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अच्छा आप बिजनेस में ये फैसला कर रहे हैं आई एम स्टैंडिंग बाय योर साइड, आप फैमिली में ये फैसला कर रहे हैं आई एम स्टैंडिंग बाय योर साइड. तो मेरे वाले रिलेशनशिप में यासिर इज द वन. तो यही तो निकल रहा है कि बी अ गुड हस्बैंड, इक्वालिटी पे, इक्वालिटी पे. माशाल्लाह, यू बी अ गुड हस्बैंड, बी अ गुड सन, बी अ गुड फादर, जस्ट बी अ गुड मैन, इवन इफ यू आर अ स्ट्रेंजर. इवन इफ यू आर अ स्ट्रेंजर, आप सोचें जहाँ पे मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस देने वाला जो शौहर है, वो भी कहता है कि मैं इस टाइम पर रात को गाड़ी लेकर शायद थोड़ा सा दूर भी ना जाऊँ, 10 मिनट दूर भी ना जाऊँ, क्योंकि मुझे डर है, डिफेंस में मुझे डर है, DHA में डर है.